70,450 के आसपास, 450 के आसपास जो है वो कुछ चल रहा है। और उसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है दोस्तों, कल भी हमने चर्चा करी थी वैसे, कि लगभग लगभग 70,550, 550 के आसपास का उसका रेजिस्टेंस है। कल उसने ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन जो है वो उसको सफलता नहीं मिली। और कल हमने पूरे दिन बात भी करी थी, अगर आपको याद हो, कि आज के दिन ये टाइम बिताएगा, टाइम पास करेगा, कोई ना ज़्यादा ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। जो जो दोस्तों को याद हो वो मुझे लिख के बताना। और कल का दोस्तों देखिए, लो पॉइंट जो है वो 70,225 के आसपास है, और हाई है 70,700। मतलब लगभग लगभग उसने 450 पॉइंट में पूरा दिन बिता दिया। अब सिल्वर के लिए 450 मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो जो है वो 800, 1000, 1200 पॉइंट तो दिन की मूवमेंट ऐसे ही दे देता है। कम से कम 800 से 900 तो होते ही है, लेकिन पूरा दिन कल उसने 400, 450 पॉइंट में बिता दिया। तो यही चीज़ जो है वो दोस्तों हमें ध्यान रखनी है। कल हमने जैसे चर्चा करी थी कि मुझे नहीं लग रहा है कि चांदी आज जो है वो कोई लंबी चौड़ी मूवमेंट देगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बस ऐसे खेलता रहेगा, ठीक है। तो कल के बाद जो दोस्त कल जुड़े थे वो आप मुझे बता सकते हो लिख कर, तो थोड़ा जो है वो मुझे भी अच्छा लगे कि नहीं आप सुन रहे हो और समझ रहे हो चीज़ों को। अब आगे क्या हो सकता है आज के दिन के लिए, उसकी चर्चा करते हैं। तो 70,450 अभी चल रहा है, जैसे अभी हमने चर्चा करी, उसका सपोर्ट है 70,200 के आसपास, 200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। थोड़ा सा और नीचे जाए तो 69,900, मतलब ये 300 पॉइंट का जो रेंज है वो चांदी के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। 70,200 to 69,900 ये उसके लिए कुछ रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट का काम करेगा। तो हो सकता है कि अगर ये एक बार के लिए नीचे काटे, कितना लेवल दोस्तों 70,200, ये अगर काट दे तो 200-300 वहाँ से गिर सकता है, ठीक है, अगर गिरना चाहे तो की बात है। और अगर ये नहीं गिरता है तो कल के जैसे ही आज भी ये टाइम बिता सकता है, टाइम पास कर सकता है। अपने टाइटल में देखा होगा टाइम पास, मतलब कल भी टाइम पास किया था, और आज शायद ऐसा हो सकता है कि सुबह वाला सेशन जो है वो टाइम पास कर ले 3-4-5 घंटे यहाँ पर, और शाम को कोई एक बड़ी चाल ले ले, इसकी भी संभावना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो भी ये जितना यहाँ पर टाइम बिताएगा वो थोड़ा ठीक है। और ऊपर का ब्रेकआउट जो है वो कब होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। लगभग लगभग यहाँ से तो थोड़ा दूर है, लेकिन हम नज़दीक के लेवल के जो है वो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो बस वही 550 के ऊपर जाना ज़रूरी है, 550-600 ये वाला लेवल जो है वो काट देता है तो फिर वहाँ से 70,900 के आसपास जा सकता है। फिर 70,900 अगर उसने काट दिया ऊपर की तरफ, तो फिर ये बहुत ही स्पीड से 71,200 और 71,500 ये कुछ लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं सिल्वर में। तो ये बात का जो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर इसने 71,500-71,600 काट दिया तो ये 72,500, मतलब वहाँ से सीधा लेवल आता है लगभग लगभग 700 से 1000 पॉइंट ऊपर का, ठीक है, बहुत ही स्पीड से जा सकता है। तो आप ये जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया चांदी के बारे में, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। हो भी सकता है कि थोड़ा नीचे भी चला जाए, 70,200 ब्रेक करे तो 69,900 वो भी अगर काट दे एक एक पल के लिए मान लेते हैं, तो फिर वहाँ से लगभग लगभग 69,500-69,600 यहाँ पर भी जा सकता है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा जैसा हम सोच रहे वैसा वैसा हो रहा है, मतलब ठीक ठाक है, उसकी तबीयत ठीक है चांदी की, कोई अभी उसमें जो है वो दिक्कत नहीं है। नीचे आए अगर ये कहीं पर अगर आपको मिल जाए 69,500 के आसपास, तो वहाँ से शायद ये बहुत ही स्पीड से पलट सकता है, ठीक है, वहाँ से स्पीड से घूम सकता है, ये बात का जो है वो हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन बड़ा जो खेल होगा ऊपर तेजी का वो है 500 के ऊपर, 70,500 के ऊपर। चलिए, तो ये आपको बता दिया मैंने MCX के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ डॉलर के बारे में, डॉलर टर्म में क्या हो सकता है उसके बारे में। तो डॉलर टर्म में भी कल हमने बात करी थी कि 23.20 जो है वो रेजिस्टेंस है, कल भी बस वही उसके आसपास घूम रहा था।
तो 20 के ऊपर जाने दीजिए। अगर आज भी 23.20 के ऊपर डॉलर में निकलता है तो फिर आज भी एक तेजी की तरफ जा सकता है, जो कि 23.35 फिर 23.45 ये कुछ लेवल जो है वो हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो है वो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऊपर में फिर धीरे धीरे करके 23.60-75 ये लेवल भी हमें चांदी के अंदर MCX के साथ साथ डॉलर में भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर, गोल्ड में क्या हो सकता है उसकी भी जो है वो चर्चा कर लेते हैं। गोल्ड में जो है वो मेरा मानना क्या है, कल गोल्ड में भी हमने बात करी थी कि कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो तेजी मंदी होने की संभावना कम है गोल्ड और सिल्वर दोनों में, क्योंकि उसका चार्ट दोस्तों कुछ ऐसा बना था कि ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा था कि बड़ी ने भी कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो ये एनालिसिस ऐसा को समझना हो, सीखना हो, प्रिडिक्ट करना हो कि होगा क्या, कैसे मैं डिसीजन ले रहा हूँ दोस्तों, मुझे कैसे समय से पहले पता चल रहा है कि आज ऐसा हो सकता है, कल ऐसा होगा या ये टाइम के बाद ऐसा होगा। तो यही चीज़ जो है वो माई इंट्राडे ट्रिक में आपको सीखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये पूरा वीक उसमें 20% का डिस्काउंट है। तो आप जाइए, देखिए, समझिए, चीज़ों को सीखिए, आपको ज़रूर फायदा होगा। आप बात कर लेते हैं फटाफट गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड के अंदर भी बस वही रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है दोस्तों, 550-600 अभी चल रहा है, 58,450। अगर गोल्ड जो है वो यहाँ से 550-600 का लेवल जो है वो काट देता है ऊपर की तरफ, तो फिर जो है वो धीरे धीरे करके ये चल सकता है 850 फिर 59,200, ठीक है। ये लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो जो दोस्तों ने 57,650 के आसपास ऐड किया होगा, क्योंकि वहाँ पर भी हमने चर्चा करी थी कि गोल्ड मुझे नहीं लग रहा है कि ये 57,650 काटेगा, वहाँ पर उसने वहाँ से सपोर्ट लिया और फिर कल का हाई देखे तो लगभग 540 के आसपास है, मतलब तकरीबन आप मान के चलिए कि 800-850 पॉइंट जो है वो 4 दिन में एक अच्छी वन वे रैली जो है वो उन्होंने देख ली है, ठीक है। और ये टाइम बिता रहा है, जितना ज़्यादा टाइम बिताएगा उतनी संभावना कम हो जाएगी, लेकिन आज और कल, ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर और बड़ी बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, आज और कल बहुत ही जो है वो वॉलेटाइल रह सकता है और कोई एक डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश कर सकता है, आइधर ऊपर आइधर नीचे, क्योंकि अब टाइम आ रहा है दोस्तों डिसीजन का गोल्ड सिल्वर दोनों में, ठीक है। डिसीजन लेने का समय आ रहा है, तो आप जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहे, अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। गोल्ड में ब्रेकआउट मिल सकता है, जैसे अभी हमने बात करी 550-600 के ऊपर वहाँ पर रुकता है तो अच्छी तेजी बना सकता है। बाकी नीचे में गोल्ड का जो सपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 58,250 के आसपास आ रहे हैं। अगर 250-200 का लेवल काट देता है तो फिर उसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और लगभग 58,025 उसके नीचे चलते हैं तो 57,800-57,600 ये कुछ लेवल जो है वो हमें नीचे की तरफ गोल्ड में ध्यान में लेने चाहिए। लेकिन यह डिसीजन का जो वो समय है वो आने वाला है आने वाले 1-2 दिन में, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अब बात कर लेता हूँ मैं डॉलर टर्म की प्राइस के ऊपर। तो डॉलर टर्म में भी कल हमने चर्चा करी थी कि 35 के आसपास, 30 का रेजिस्टेंस है, 35-30 के आसपास, तो बस वही रेजिस्टेंस के आसपास घूमा, टाइम पास किया उसने भी कल, जैसे हमने चर्चा करी थी गोल्ड सिल्वर मुझे कुछ नहीं लग रहा कि टाइम पास कर सकता है। तो डॉलर टर्म के अंदर भी अगर यहाँ से 34-35 क्रॉस करता है तो 40 का रेजिस्टेंस, एकदम छोटा सा ट्रेंड है, बहुत ही छोटा माइनर, ठीक है, देखना चाहो तो आप 1940 का जो है वो फिर रेजिस्टेंस आ रहा है नेक्स्ट वाला, अगर ये 1940 क्रॉस कर पाता है तो फिर 1952-53 जा सकता है, फिर वहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर लगभग ये अच्छी तेजी पकड़ सकता है। चर्चा करी थी वैसे उसका जो सपोर्ट है वो है 1925 के आसपास, अभी तो अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, अगर ये 1925-1930 ये सपोर्ट जो है ब्रेक करता है तो फिर इसमें जो है वो थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो हमें बस ये सपोर्ट जोन के ऊपर ध्यान देना है, कॉमेक्स के ऊपर, ठीक है, डॉलर टर्म की जो प्राइस है उसके ऊपर ये वाला जो लेवल है वो हमें ध्यान में
रखना चाहिए। चलिए तो ये हो गई दोस्तों, आपको पूरी बात जो है वो मैंने बता दी सिल्वर के बारे में, सिल्वर का जो MCX है उसका भाव बता दिया, डॉलर का, गोल्ड का MCX उसके बारे में थोड़ा टाइम पास कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेने की तैयारी है उसकी, तो थोड़ा सा संभल के रहिए, क्योंकि अब यहाँ पर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, यहाँ से ऊपर नीचे जहाँ पर भी जाएगा उसकी बहुत ही ज़्यादा होगी, ये बात याद रख लेना, ठीक है। जहाँ पर भी उसने टर्न ले लिया उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ऊपर नीचे होगा, तो थोड़ा सा आप सतर्क रहें।